नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहे हैं इपिकाक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। कब कब इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस होम्योपैथिक मेडिसिन को आपको लेना है, इसके बारे में जानेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो इपिकाक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो ये बनाई जाती है इपिकाक के प्लांट से, उसकी रूट से यानी कि उसकी जड़ से इस होम्योपैथिक दवा को बनाया जाता है। जो इसका मेन सिम्टम है वो है, सबसे पहले तो इसका मेन सेंटर ऑफ एक्शन होता है हमारे जीआई ट्रैक पर यानी कि हमारे पाचन तंत्र पर। उसमें भी जब बहुत ज़्यादा कांस्टेंट नौजिया और वॉमिटिंग मिलती है यानी कि लगातार पेशेंट का जी मिचलाता रहता है, मितली आती है उसको, नौजिया रहती है और बार बार उसको उल्टी हो जाती है, और उल्टी में जब ब्लड आएगा, बाइल आएगा, पित्त आएगा यानी कि साथ में उसमें म्यूकस भी आ सकता है, साथ में पेशेंट को हिचकी आने की समस्या भी बहुत ज़्यादा मिल सकती है। इस तरीके के इसके लक्षण होते हैं। इसका जो मेन सेंटर ऑफ एक्शन है वो है हमारी न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर। नर्व होती है एक न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व जिसको हम वेगस नर्व भी बोलते हैं। नर्व से ही हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस होते हैं। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर इसका सेंटर ऑफ एक्शन होता है। वहाँ पर जब उसकी इरिटेशन होती है तो स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे चेस्ट के, यानी कि जब ना चाहते हुए भी मांसपेशियाँ हमारी सिकुड़ती हैं तो उसको बोलते हैं स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन, और उसी की वजह से इरिटेशन होती है चेस्ट में और पेशेंट को उल्टी होने लगती है। साथ ही साथ हेमरेज यानी कि हमारी बॉडी से कहीं पर भी रक्त का स्राव हो रहा है और वो ब्राइट रेड कलर का हो यानी कि सुर्ख लाल रंग का हो, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी इनडाइजेस्टिबल फूड खाने के बाद अगर पेशेंट को कंप्लेन आ रही है, इनडाइजेस्टिबल फूड यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र जिसका पाचन ना कर पाए, जैसे कि किशमिश, केक, पेस्ट्री वगैरह अगर किसी ने बहुत ज़्यादा खाई है और उसके बाद पेट में कोई भी कंप्लेन आ रही है, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एब्डोमेन के सिम्टम यानी कि पेट के लक्षणों की तरफ बढ़े तो उल्टी तो मैंने आपको बताई है, साथ में अमीबिक डिसेंट्री अगर मिल रही है यानी कि बॉडी में ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा या फिर म्यूकस आ रहा है, तो उस ये इस तरीके के लक्षण होते हैं अमीबिक डिसेंट्री के। साथ ही साथ स्पास्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी ना चाहते हुए मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं, तब भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जानते हैं इपिकाक के पेशेंट के कंस्टिट्यूशन के बारे में यानी कि पेशेंट देखने में किस तरीके का होता है, तो एडल्ट या फिर बच्चे जो होते हैं इसके वो हेल्दी होते हैं यानी काफ़ी फ्लैट फैटी होते हैं देखने में, और पेशेंट में कमजोरी बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। अब इसके पेट के अन्य लक्षणों की तरफ बढ़ें तो पेशेंट जब स्टूल पास करता है यानी कि पॉटी पास करता है तो बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है उसको, इतना ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है कि उसको नौजिया होने लगती है यानी कि मितली होने लगती है, पेशेंट को प्यास बहुत ही कम लगती है। तो इस तरीके के लक्षण होते हैं इपिकाक होम्योपैथिक मेडिसिन के। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण मैच कर रहे हैं इस मेडिसिन से तब आप इस होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो है कांस्टेंट नौजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि लगातार किसी को अगर उल्टी की समस्या बनी हुई है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसकी पोटेंसी के बारे में जाने, थ्री पोटेंसी यानी कि 3x से लेकर के 200 तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली 30 में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इसका तो दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बूंद इसकी जीभ पर आप ले सकते हैं। अगर 200 में ले रहे हैं तो सुबह शाम 2 बूंद इसकी जीभ पर ली जा सकती हैं खाना खाने से आधा घंटा पहले। बीमारी की सीबीआईटी के अनुसार डोज को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।